हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से दिसंबर क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले हम लोग कंसोलिडेटेड कवर करेंगे लैक्स में नंबर से। इनकम है 113.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 110.9 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 100 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 76.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 73 करोड़ का, दिसंबर 22 क्वार्टर में 67 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 37.2 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 37.9 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 32.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है, जो कि लगभग अराउंड अगर देखा जाए तो 69 लाख के अराउंड डाउन हुआ था। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 27.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 29.5 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 24.9 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज हुआ है। ईपीएस 4.37 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, इनकम कंपनी को तो इंक्रीज हो रहा है, बट एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर का। अगर हम स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम है 102 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 95.7 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 94.6 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 69.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 63.7 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 64.6 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 30 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 24.2 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 23.9 करोड़ का, दिसंबर 22 क्वार्टर में 22.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस 3.79 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइस, स्टैंडअलोन में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ, क्योंकि कंपनी का इनकम प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज किया, बट कंसोलिडेटेड का प्रॉफिट थोड़ा सा गिरावट आई एक्सपेंसेस और टैक्सेस ज़्यादा पे करने के कारण। तो गाइस, इसलिए कह सकते हैं कंपनी अच्छी रिजल्ट पेश किया। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।